इस कहानी के शुरुआत में हम रॉबिन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ कैंप आया हुआ होता है, जहां वो एक गेम खेलता है जिसमें वो एक लड़की को किस करता और किस करते उस लड़की का भविष्य देख लेता और अपना भविष्य भी, जहां उसे पता चलता है कि इन दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा बीतेगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहेंगे। साथ ही साथ उसे एक बात और भी पता चल जाती है कि इस लड़की का रिलेशन इसके साथ ही नहीं बल्कि किसी और के साथ, जो कि एक लड़की है उसके साथ रहेगा। मतलब इसे लड़का और लड़की दोनों के साथ रिलेशन रखना अच्छा लगता है और इसको किस करते हुए देख भी लेता है, जिसके कारण इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, इन दोनों का रिलेशन ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। फिर हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे रॉबिन अब बड़ा हो चुका है और आज भी उसका तलाश जारी है, जहाँ वो आज भी एक लड़की को डेट करने के लिए आया हुआ होता है और उस लड़की से बात करते ही करते उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तब वो लड़की पहले तो मना कर देती है लेकिन बाद में वो मान जाती है और फिर जब वो लड़की उसे किस करती है तो यहाँ पर रॉबिन को पता चल जाता है कि ये लड़की उसके लिए ठीक नहीं है और फिर उस लड़की के मुंह पर बेइज्जती कर देता है, जिसके कारण लड़की गुस्सा हो जाती है, इसके मुंह पर ड्रिंक फेंक के चली जाती है। फिर हमें किसी और लड़की के साथ रॉबिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक और लड़की किस करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जब वो उसके साथ डेट पे या कहीं घूमने के लिए जाएगा जहाँ पर उसकी मौत हो जाएगी, और इसी तरह वो कई सारे लड़कियों किस पे किस किए जाता है लेकिन उसे अभी तक कोई भी लड़की मिलती नहीं है। और यहाँ पर हमें रॉबिन के बारे में एक बात और भी पता चलती है कि रॉबिन बहुत ही अच्छा बुक पब्लिशर है लेकिन काफ़ी टाइम से उसने बुक पब्लिश नहीं की, जिसके कारण उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज है। और वो आज एक पार्टी में आया हुआ होता है जहाँ पर कई सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं कब तुम अपना बुक पब्लिश करोगे। और उसके बाद हम कुछ समय के बाद एक उसकी राइटर को देखते हैं जो बहुत ही अच्छा राइटर तो थी लेकिन उसकी पहली बुक बहुत ही अच्छी चली थी लेकिन बाकी जितने भी बुक थी वो पिट गई थी, जिसके कारण उसकी हर जगह बेइज्जती होती थी। और इसी के फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो रॉबिन के पार्टी चली जाती है जहाँ पे वो उल्टी सीधी गाना गाने लग जाती है, जिसके कारण सारे लोग उसके राइटर को मजाक उड़ाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और इससे रॉबिन को भी काफ़ी बुरा लगता है। फिर यहाँ रॉबिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आया होता है जहाँ पर रॉबिन का दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड होती है और उसकी एक फ्रेंड भी होती है। यहाँ रॉबिन का दोस्त का नाम होता है जोसेफ और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लूसी था और यहाँ पर लूसी की फ्रेंड भी आई होती है, जहाँ पे ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं। और फिर यहाँ पर जोसेफ रॉबी को बोलता है कि मैं मुझे कुछ काम है और वो चला जाता है। यहाँ पर लूसी और उसकी फ्रेंड एक ड्रिंक करने के लिए जाते हैं और यहाँ लूसी के फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, जिसके कारण उसे कुछ होश ही नहीं रहता। फिर लूसी को और रॉबिन को दोनों को डांस के लिए बुलाती है, जहाँ लूसी की फ्रेंड सबसे पहले लूसी को ही किस कर लेती है, उसके बाद रॉबिन को किस करती है। और जैसे ही रॉबिन को किस करती है रॉबिन को पता चल जाता है ये लड़की उसके लिए सही नहीं है। लेकिन लूसी की फ्रेंड जैसे ही रॉबिन को और लूसी को किस करवाती है तब यहाँ पर ही रॉबिन को पता चलता है कि ये लड़की उसके लिए परफेक्ट है और जिस लड़की को इंतज़ार कर रहा था इतने सालों से फाइनली वो लड़की उसे मिल चुकी है। और जैसे पार्टी ख़त्म होता है वो लूसी के घर जाता है लेकिन लूसी से ज़्यादा बात नहीं करता, लूसी के बार बार पूछने पे कुछ बताता नहीं है। और जब वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तब एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और जैसे ही किस करने वाले होते हैं यहाँ पर ही रॉबिन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता। बेचारा उदास मन से वहाँ से उठ के चला जाता है। जब वो अपने घर जाता है तब सोचता है कि इतने सालों के बाद जब उसे कोई लड़की मिली भी तो उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड के रूप में। फिर अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तब वहाँ पर लूसी पहुँच जाती है और लूसी को देखकर वो काफ़ी सरप्राइज होता है। और लूसी रॉबिन को बोलती है कि कल रात को जो भी कुछ हुआ था उसके ऊपर ध्यान ना दे, और बात घुमाते हुए उसे बोलती है कि तुमने काफ़ी टाइम से बुक पब्लिश नहीं की ना, तुम्हारा राइटर अगर काम ठीक से नहीं कर रहा है तो तुम अपने राइटर को चेंज करके दूसरे राइटर को क्यों नहीं लाते हो। तब वो एक राइटर के पास लेकर जाती है जो बहुत ही फेमस था, जिसका बुक आते ही मार्केट में बिक जाता था। और रॉबिन उससे मिलता है, जैसे ही अपना नाम बताता है वो नाम सुन के ये बोलता है कि तुम पर तो बहुत ज़्यादा कर्ज है और मैं तुम्हारे लिए कोई भी बुक नहीं लिख सकता और तुम्हारे अंडर में काम नहीं कर सकता, से मना करके वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर रॉबी काफ़ी उदास हो जाता है। यहाँ पर ही वो रॉबी उसे मनाने की भी कोशिश करता है लेकिन वो राइटर नहीं मानता। रॉबी लूसी को बाय बोलता है और एक बार चला जाता है, जहाँ पर ही वो एलिना नाम की एक लड़की से मिलता है, जहाँ एलिना उसको देख करके बोलती है क्या बात है तुम इतनी उदास क्यों, और अपनी तब से ड्रिंक भी देती है। तब रॉबिन बोलता नहीं कोई बात नहीं है। तब एलिना बोलती है तुम एक काम करो, मेरे हाथों के पर हाथ रखो, मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगी क्या बात है। तब उसके हाथों पे जब वो हाथ रखता है तब वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर परेशान हो और तुम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, लेकिन रॉबिन इससे मना कर देता है, बोलता ऐसा कोई बात नहीं है। तब रॉबिन को अपने साथ अपने घर ले आती है क्योंकि रॉबिन को बहुत ज़्यादा भूख लगा था। और रॉबिन को जब कुछ खिलाने वाली होती है तब तक एलिना का दोस्त आ जाता है। दरअसल ये एलिना का घर नहीं बल्कि उसके
दोस्त का घर था। फिर इनू वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ पे भागते हुए एरिना एक रूम में चली जाती है जहाँ रॉबिन को किस करने वाली होती है। रॉबिन उसे मना कर देता है, बोलता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। और एरिना बोलती है, हाँ देखा मैंने तो बोला ही था कि भाई एक लड़की को पसंद करते हैं, बात सच है। और यहाँ पर हम रॉबिन को देखते हैं उसके दोस्त के पास, वो मिलने के लिए जब आया हुआ होता है तब उसका दोस्त बताता है कि वो लूसी को बहुत जल्दी शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। और ये बात सुनकर के रॉबिन को और भी बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि अब लूसी उसकी ज़िंदगी में से हमेशा जाने वाली थी। और यहाँ सीन कट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी के पास जोसेफ आया हुआ होता है उसे शादी का प्रपोज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर लूसी उसकी शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं बल्कि मना कर देती है। और यहाँ पर हम रॉबिन को देखते हैं जहाँ पर रॉबिन के पास उसका दोस्त जोसेफ आता है, उसे बताता है कि लूसी ने शादी करने से मना कर दिया। और वो रोने लग जाता है। यहाँ पर भी रॉबिन को ये बात सुनकर दुख तो लगता है, लेकिन अंधे अंधे बहुत खुश लगता है। लेकिन जब जैसे ही लूसी से बात करने के लिए जाता है तो लूसी से बात करते हुए लूसी उसके ऊपर भड़क जाती है। उसे पूछती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, दिखता नहीं है कि मैं किसे प्यार करती हूँ कि नहीं। और यहाँ पे रॉबिन कुछ बोलता है, उससे पहले लूसी की दोस्त आ जाती है जो लूसी को बोलती है कि लूसी तुम्हें कुछ काम से घर से बाहर जाना था ना, तुम चाहो ना मुझे रॉबिन से कुछ अकेले में बात करना है और मैं उसे डेट पर ले जाना चाहती हूँ। लेकिन ये सब सुन करके रॉबिन वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर हमें यहाँ पर सीन कट होकर के रॉबिन की तब दिखाया जाता है जहाँ पर रॉबिन एक बुक पर काम कर रहा था, लेकिन उसे कुछ आइडिया समझ में नहीं आ रहा क्या करना है नहीं। और तब तक वहाँ पर ही वो लूसी आ जाती है जो उसे अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर लूसी की दोस्त भी एक अच्छी राइटर थी, लेकिन वो अभी यंग थी, उसको उतना खास अनुभव नहीं था और उसी को दिखाने के लिए। लेकिन लूसी की फ्रेंड की बुक को काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। और ये बात सुन करके रॉबिन काफ़ी खुश हो जाता है, खुश होते हुए जाकर लूसी को किस कर लेता है। और यहाँ पर लूसी भी उसे किस कर लेती है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। जहाँ पर लूसी उसे बोलती है कि हम अगले दिन से एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे और एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। लेकिन करीब नहीं आने का जगह और भी ज़्यादा करीब आते चले जाते हैं, जहाँ एक दूसरे को वो एक मिनट भी छोड़ते नहीं। और यहाँ पर रॉबिन भी उसके साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया था, क्योंकि उससे फाइनली उसका लाइफ पार्टनर मिल गया था। और जब वो रास्ते में उसके लिए गिफ्ट लेके जा रहा था तब एरिना उसे मिल जाती है। एरिना उसे अपने साथ आने के लिए बोलती है और उसे एक ड्रिंक देती है, जहाँ ड्रिंक करते समय वो बात करते समय रॉबिन उसे बताता है कि मेरे पास एक पावर है जिससे मैं किसी भी लड़की को किस करके बता सकता हूँ वो मेरे लिए परफेक्ट है या नहीं, उसके भविष्य को मैं देख लेता हूँ। और ये बात सुनकर एरिना उसे बोलती है चलो मुझे किस करो मैं भी तो देखूँ। जब उसका किस करता है तो उसे सब ब्लैक दिखता है। और यहाँ पर रॉबिन उसे देख करके बोलता है कि नहीं तुम मेरे लिए नहीं बनी हो सर, मुझे सच्चा प्यार मिल चुका है इसलिए मेरा पावर चला गया। और उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। जब वहाँ से जाता है तो यहाँ पर ही रॉबिन का दोस्त उसके ऑफिस में बैठा हुआ होता है। अब पीछे यहाँ पर लूसी और रॉबिन की किस की हुई फ़ोटो को देख लेता है और अपने दोस्त को धोखेबाज बोल करके और तुमने अपने दोस्त के पीठ पे छुरा भोंका उसके पर गुस्सा करता वहाँ से चला जाता है। यहाँ रॉबिन को और एलिशा को दिखाया जाता है, जहाँ एलिशा उसे सरप्राइज या कुछ भी देने वाली होती है। रॉबिन को पहले से पता होता है लेकिन रॉबिन कुछ बताता नहीं है, लेकिन एलिशा को उसके ऊपर शक होता है। यहाँ पर रॉबिन को एक बात और भी पता चलती है कि उसके बुक राइटर ने किसी और की बुक को कॉपी करके अपनी बुक में डाल दिया है, जिसके कारण उसके ऊपर केस हो गया। और ये बात सुन करके रॉबिन उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। तब वो बोलती है मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि मुझे क्या लिखना नहीं, क्योंकि यंग जनरेशन के हिसाब से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तब वो एलिशा से उसे मिलाता है जो उसके बुक में हेल्प करेगी और मिला के अपने घर चला जाता है। जब वो घर जाता है तब यहाँ पर लूसी उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखती है जो उसके बर्थडे पार्टी था। लेकिन यहाँ पर रॉबिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एलिशा को फिर उसके ऊपर शक होता है कि उसे पहले से पता चल चुका था। और जैसे पार्टी ख़त्म होता है तब एलिशा उसे बोलती है कि रॉबिन मैंने तुम्हारे और अपने लिए दो टिकट बुक किए। और यहाँ रॉबिन तुरंत बोल देता है कि हाँ पाकिस्तान के किए ना, मुझे पता है कि हम लोग पाकिस्तान जाने वाले हैं और हमारे साथ क्या होने वाला है वो सभी बता देता है। और ये सब बात सुन के एलिशा उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है कि मैं तुम्हें कभी सरप्राइज दे नहीं पाती हूँ और तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो। और वो अपने दोस्त के साथ चली जाती है, जहाँ पर एलिशा देखती है कि रॉबिन ने जो जो बताया था वही सब कुछ हो रहा था और वही सेम कलर की वो कालीन भी लेने वाली थी। और यहाँ पर हम रॉबिन को देखते हैं जो एलिशा के साथ आया हुआ होता है एक डांस में, जहाँ पे एलिशा उसे बुलाती है और स्टेज शो में उसके साथ वो भी परफॉर्म करता है और वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी करता है। इन्जॉय करने के बाद जब जैसे परफॉर्मेंस ख़त्म होता है वो एलिशा को देखता है और एलिशा को देखते हुए उसके पास जाकर के उसे किस करने वाला होता है। एलिशा उसे रोक देती है, बोलती कि ये सब क्यों। तब यहाँ पे रॉबिन बताता है कि मैं तुम्हें कहीं ना कहीं पसंद करने लगा हूँ, लेकिन एलिशा बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, और उसे रोक देती है और उसे किस करने नहीं देती है।
यहाँ एलिसा उस राइटर को दिखाया जाता है जहाँ पर इनका बुक कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वो राइटर को ये बुक बहुत ज़्यादा भी पसंद नहीं आती। वो बोलती है ये बुक अच्छी तो है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आए। यहाँ पे एलिसा उसे आइडिया देती है कि तुम अपने ऊपर ही क्यों नहीं किताब लिखती, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है और आज की जनरेशन को ऐसी बुक बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इसके लिए वो राइटर तैयार भी हो जाती है। यहाँ पर हमें एक और राइटर को दिखाया जाता है जिसके पास जोसेफ आया हुआ होता है और अपनी कहानी सुनाता है, जिसमें वो बताता है कि कैसे उसके अपने दोस्त ने उसके साथ धोखा दिया, उसके प्यार को छीन लिया। और रॉबिन सब सुनते सुनते वहाँ पर खड़ा होकर के बोलता है कि वन साइडेड लव कभी भी नहीं टिकता मेरे दोस्त, प्यार का मतलब ही होता है कि दो लोगों की सहमति। और ये बोल करके अपने दोस्त के पास जाता है, उसे बोलता है कि मैंने जो भी गलती की है उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, मेरा इंटेंशन कभी भी तुम्हें हर्ट पहुँचाने का नहीं था, ना ही तुम्हारे प्यार को छीनना था। और इसके बाद जोसेफ भी उसे माफ़ कर देता है, उसे गले लगा देता है। यहाँ लूसी घर आ चुकी थी और रॉबिन के पास जाती है और रॉबिन देखता है कि लूसी पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी और पहले जैसा इन दोनों के बीच में प्यार भी नहीं था। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते तो थे लेकिन काफ़ी खुश नहीं रहते थे। और यहाँ पे रॉबिन को अपनी गलती का एहसास होता है, वो बोलता है कि ये वो जोसेफ के साथ इसको फिर से मिला देगा, इसलिए वो एक डिनर पार्टी रखता है जिसके लिए वो जोसेफ को ही बुलाता है और लूसी को बुलाता है, लेकिन अपने नहीं जाता। यहाँ इन दोनों के बीच में बात होती है, झगड़ा होता है, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करते करते एक हो जाते हैं और इनके दिल में फिर से पहले जैसा प्यार हो जाता है। और लूसी को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जोसेफ को छोड़ के गलती किया। यहाँ पर हम रॉबिन को देखते हैं जो एलिसा के पास आता है, ऑस्ट्रेलिया का टिकट उसे देता है क्योंकि उसे ऑस्ट्रेलिया घूमने का जाने का बहुत ज़्यादा मन था। यहाँ पर जोसेफ को दिखाया जाता है जो अपने काम पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और फाइनली उसका बुक तैयार हो जाता है, जो बहुत ही अच्छी थी पब्लिश करने के लिए और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी होती है। अब कुछ देर पर वहाँ पर एलिसा भी आ जाती है जो रॉबिन देखता है और बोलता है कि तुम ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, बोलती कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती है, और उसे बोल के जाने लगती है। उसके पीछे पीछे रॉबिन भी जाने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पर रॉबिन को समझ में आ जाता है कि एलिसा ही मेरी सही लड़की थी। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी ज़िंदगी जीते हैं और इसी तरह इस कहानी का अंत हो जाता है।